तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल यार स्टॉक्स में दिल से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को शेयर कर देना फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से। और अगर आपको हमारी प्राइवेट क्लास लिंक के लिंक्स नहीं मिले अभी संडे वाली क्लास के, तो मुझे मैसेज कर देना एक बार दोबारा से। बहुत दिनों के बाद मैंने वो प्राइवेट क्लास आपके लिए बनाई है, बहुत अच्छी क्लास है, डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। 25 मिनट का वीडियो है, मेहनत करके बनाइए 25 मिनट यार, ठीक है? थोड़ा सा फंबल हुआ होगा क्योंकि वो एक रॉ वीडियो है, मैं ना एडिट मारता हूँ ना मैं कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ठीक है? तो सिंपल जो मन में आता है, दिल में आता है, बोल देता हूँ, ठीक है? तो रॉ वीडियो का तो उसको मैनेज कर लेना, ठीक है? बाकी बाकी अगर कुछ पूछना है जो कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा अगर टाइम लगता है, या वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। वैसे एक एक क्वेश्चन पूछा किसी ने, 1 रुपए का पेनी स्टॉक है, ठीक है, और उसमें करोड़ों शेयर्स लोग घर लेके गए, तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या स्टॉक को बाय करना चाहिए, ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है? तो देखो, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ चार्ट पैटर्न को फॉलो करने में, ठीक है? और 1 रुपए का पेनी स्टॉक सस्ता है, दिमाग में सबसे पहले यही घंटी बजती कि सस्ता है। अब घंटी बज गई मेरे दिमाग में, इसका मतलब ये नहीं अच्छा है। अब ये क्वेश्चन आता है कि पैटर्न बन रहा है जो मुझे चाहिए, तो पैटर्न के लिए मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ भाई। अब भाई जिस शेयर में 1 करोड़ 50 लाख शेयर लोग घर लेके जा रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा हो रहा होगा ना, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम तो है ना भाई, वॉल्यूम स्टॉक पर जनरेट हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है, सिंपल बात है। बहुत सारे पेनी स्टॉक का वॉल्यूम भी नहीं होता इतना जितना इसमें आपको दिखाया जा होता है, मतलब है ना, मतलब इतने शेयर घर लेके गए लोग घर। तो अभी स्टॉक में क्या कर सकते हैं, जाने का प्रयास करते हैं, अंत तक देखना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलते हैं कि पेनी स्टॉक का वीडियो बनाऊं, अदरवाइज तो जिंदगी में क्या रखा तुम्हें पता ही है ना। चलो तो यार दोस्तों, उस पेनी स्टॉक की और बात करने से पहले पहले एक बात करते हैं राकेश जुजुनवाला के पोर्टफोलियो के बारे में, ठीक है? एक एपटेक शेयर इनके पास है और ये स्टॉक देख सकते हो अपने हाई से काफी टूट चुका है। स्टॉक अभी आपको ऑलमोस्ट 30% के डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए, आपको बाय करना चाहिए? तो अगर बात करते हैं प्राइजेक्शन की, तो देखो एक रजिस्टर एरिया है, लग रहा है रजिस्टर के नीचे गिर चुका है। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट्स के, तो चार्ट पैटर्न तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन रजिस्टर इसने फेस कर लिया है, अब प्रॉफिट की बात एक बार कर लेते, ठीक है? तो एक बार प्रॉफिट देख लेते हैं ना, आपका क्वेश्चन का किसी ने पूछा था तो मैं इसका मतलब वीडियो बना रहा हूँ। टैक्स फ्री है, ठीक है, अच्छी बात है, और नीचे लेके चलता हूँ तो कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट दे रही है और लगातार देखो नंबर कंपनी में बढ़ रहे हैं, ठीक है? 34 करोड़ अभी तक प्रॉफिट हो चुका है, बैलेंस शीट हो डेट जीरो का, रिजर्व ग्रो कर रहे हैं, और शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 47% है, ठीक है, और FII की होल्डिंग 9% है, और पब्लिक का पैसा मात्र 42% लगा हुआ है, ठीक है? तो देखो मेरे हिसाब से भाई स्टॉक उतना अच्छा नहीं जितना आपको बताया जा रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है? राकेश जुजुनवाला को पैसा बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ही बनेगा। तो मैं यही बोलूंगा आप लोगों को कि स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए, लेकिन हाँ चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, ठीक है, तो मेरे मेरे हिसाब से इससे अच्छे स्टॉक है मार्केट में यार, तो आप इसको इग्नोर ही करो। हाँ इग्नोर करो, ठीक है, स्टॉक को इग्नोर करो, रहने दो, स्टॉक को बाय मत करो, ठीक है? तो दोस्तों स्टॉक का नाम जिसकी मैं बात करूँ 1 रुपए का, वह है बलरारपुर या बल्लापुर, जो भी आपको उसको प्रोनाउंस करना आप कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो कंपनी है अवंता ग्रुप की कंपनी है, ठीक है, जो इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर की है, तो इसके ऊपर आज मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये स्टॉक देखो अभी लोअर सर्किट में, इसी में काफी बड़ी शेयर्स लोग घर लेके गए और स्टॉक ने देखो ऑलमोस्ट 2.5 रुपए का ही लगाया, अभी नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये स्टॉक में अभी आपको क्या करना चाहिए, तो भाई देखो सिंपल है, चार्ट पैटर्न तो हमें यही कह रहा है कि स्टॉक में बेचना चाहिए, ठीक है? बाकी बहुत ज्यादा अगर आपको मन कर रहा बाय करने का, तो मैं आपको बताता हूँ मेरा व्यू क्या है स्टॉक, ठीक है? आई थिंक मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली मैंने क्या बोला था, बाय के लिए बोला नहीं बोला, आप नीचे मुझे करेक्ट कर सकते हो या नहीं बोला था, नीचे करेक्ट करना एक बार, ठीक है? मुझे याद नहीं कि मैंने बाय नहीं किया स्टॉक, मुझे इतना पता है। 96% जो प्लेज होल्डिंग है प्रमोटर्स की, बाकी प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लेते 2% है, और देखो यहाँ DII की होल्डिंग है 29%, तो एक यही अच्छा निकल के आता है। और मैंने आई थिंक ये बोला होगा कि प्रमोटर्स की होल्डिंग डाउन है, लेकिन यहाँ पर DII की होल्डिंग बढ़ मतलब बढ़ तो नहीं रही है, सेम है, तो ये डेफिनेटली स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, ताकि अगर ये एग्जिट कर सके, अगर इनको एग्जिट करना है सच में तो। और वही हुआ, स्टॉक का प्राइस ऊपर तो गया। आप देखते हैं कि अभी जो इस क्वार्टर के अपडेट आएगा का शेयर होल्डिंग पैटर्न का, वहां पर आप ये चेक करना कि यहाँ प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज तो नहीं करी, अगर करी होगी तो डेफिनेटली आप भी स्टॉक से एग्जिट कर सकती हो। बाकी यार BSE में करोड़ों शेयर सच में घर लेके जाए जा रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, और GSM कैटेगरी का स्टॉक है, कभी कभार सस्पेंड भी हो जाएगा, तो घबराना मत, ठीक है? ऐसे स्टॉक सस्पेंड भी हो जाते हैं। देखो ये रहा 1.5 करोड़ शेयर लोग घर लेके गए, 1.5 करोड़ शेयर, ठीक है? अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल, देखो एकदम घटिया ही फाइनेंशियल होंगे भाई, तभी
तभी इतना हो रहा है। देखो लॉस कितना बड़ा लॉस हो रहा है और सेल्स कंपनी की 20 करोड़ की है। अभी लॉस कहाँ से हो रहा है, अदर इनकम से आप देख सकते हो 349 करोड़ लॉस था। और इंटरेस्ट देखो यार, मतलब कितना बड़ा डेट है कंपनी के ऊपर। डेट देखते हैं बैलेंस शीट, ठीक है, तो बैलेंस शीट आप देख सकते हो रिजर्व नेगेटिव है, डेट देखो ये रहा 943 करोड़ का। तो यही सबसे बड़ा कारण है स्टॉक का डूबने का। अगर अपना डेट को कुछ लेकर जाती है प्लान, जहाँ डेट थोड़ा कम हो जाएगा तो डेफिनेटली स्टॉक पे अच्छा कर सकता है। पता नहीं लेके आ पाएगी नहीं आ पाएगी, वो फ्यूचर बताएगा। और जैसे आपको पता है अवंता ग्रुप की है कंपनी, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बड़ा हो सकता है भाई। नाम जुड़ गया ना, मैंने कहा था नाम डज मैटर। अब रिलायंस क्या जो नाम है ना, उसकी वजह से उसकी छोटे भाई की कंपनी मतलब अनिल अंबानी है ना, हाँ अनिल अंबानी जी की जो कंपनीज है वो अच्छा परफॉर्म करेगी फ्यूचर में। फ्यूचर का मतलब समझ जाओ, ठीक है, क्योंकि मुकेश अंबानी उनको सपोर्ट मार देंगे, टाटा सपोर्ट मार देगा, अदानी सपोर्ट मार देगा, नाम ब्रांड है यार ब्रांड। तो ऐसी अवंता ग्रुप भी काफी अच्छा ब्रांड है, तो ये अवंता ग्रुप वाले इनको सपोर्ट मार देंगे, ठीक है। या तो अवंता ग्रुप का भी किसी के साथ दोस्ती यारी होगी यार, किसी अच्छे ग्रुप के साथ वो सपोर्ट मार देगा किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। जैसे सिंटेक्स को देखो, सिंटेक्स नाम अच्छा था, सिंटेक्स इंडस्ट्री नाम अच्छा था ना, तो रिलायंस ने सपोर्ट मार दिया ना, तो भैया कोई ना कहीं कहीं ना कहीं सपोर्ट मार ही देगा अगर नाम अच्छा है थोड़ा बहुत भी, ठीक है। मार्केट में उसकी वैल्यू थी और उनको लगता है कि फ्यूचर बन सकती है, तो भैया सपोर्ट कहीं ना कहीं से आ जाएगा बड़े स्टॉक से, बड़े स्टॉक ना बड़ी कंपनी से, ठीक है। तो इसको भी आ सकता है, लेकिन इतना मत दिल से लगाना कि इसमें बड़ी क्वांटिटी बाय करो, छोटी मोटी क्वांटिटी बाय करके छोड़ दो अगर आप करना चाहते हो। बाकी चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं एक बार, तो चार्ट पैटर्न कैसा लग रहा है बाकी दोस्तों, आप इसका चार्ट पैटर्न देख सकते हो। स्टॉक यार पता नहीं यार, यार तुम बिलीव करो ना करो, बट अब फाइनली इसका चार्ट पैटर्न देखने के बाद मैं स्टॉक को तो बाय करने वाला हूँ। मैंने अपना लास्ट इसके ऊपर अपडेट कर दिया है, मैं स्टॉक को बाय करूंगा भाई, ठीक है। मैं अपने अकाउंट में बाय नहीं करूंगा, अपने भाई के अकाउंट में बाय पक्का करूंगा, ठीक है। अब मुझे इसमें पैटर्न दिख गया है तो मैं तो बाय करने वाला हूँ, ठीक है। इस स्टॉक को यहाँ कहीं भी बाय कर लो, यहाँ कहीं भी, और ये स्टॉप लॉस लगा लो 1 रुपए का, ठीक है। या तो इतना पैसा डाल दो जितना आप रिस्क ले सकते हो, 1,000 रुपये 500 रुपये बस लगा के छोड़ दो, इस स्टॉक आपको 15 रुपये तक टारगेट दिखा देगा। बस मैंने बोल दिया, अब जाएगा जाएगा वक्त बताएगा, ठीक है। तो कंपनी का फाइनेंशियल लूल है, चार्ट पैटर्न मेरा बन गया, तो मुझे चार्ट पैटर्न चाहिए होता है स्टॉक में, अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ नजरों में रख लो स्टॉक, ठीक है। तो मैं तो स्टॉक को बाय करने वाला हूँ, शायद अभी जाके एक AMO ऑर्डर जो भी होता है प्लेस कर दूंगा अभी अभी जाके सोने से पहले, ठीक है। तो खत्म करता हूँ वीडियो, मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।